Assalamualaikum guys, welcome back to our new video. This is Mehran. तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बाकी वीडियोस की तरह. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉगर में लव कैलकुलेटर वेबसाइट कैसे बना सकते हैं. तो बहुत ही इजी मेथड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लें. तो अब मैं आपको एक साइट का डेमो दिखा देता हूँ, साथ ही मैं आपको इसके जो मंथली सर्चिस हैं वो दिखा देता हूँ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लव कैलकुलेटर जो है हमारा कीवर्ड है. तो इस पर जो मंथली सर्चिस हैं वो है जी 100 से लेकर 1 मिलियन तक जो है इसके मंथली सर्चिस हैं. तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड कीवर्ड है वो है जी लव मीटर. तो इस पर जो है 10K से लेकर जो है 100K तक हैं. तो इस तरह से आप लोगों ने जो है इन कीवर्ड्स का यूज़ करके जो है साइट को गूगल में रैंक कर सकते हैं. दूसरा मेथड ये है हमारा साइट को फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें. तो इससे जो है हमारी अच्छी खासी जो है ट्रैफिक आ जाएगी. तो उससे जो है आप अच्छा खासा अर्न कर सकेंगे. तो अब मैं आपको साइट का एक डेमो दिखा देता हूँ. तो जो साइट है वो कुछ ऐसी होगी हमारी. तो यहाँ पर जो यूज़र है आपकी साइट में आएगा, यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम टाइप करेगा. यहाँ पर जो है मैं टाइप करता हूँ एक रैंडमली. यहाँ पर जो सेकंड नेम मैं टाइप करता हूँ. तो यहाँ से मैं कैलकुलेटर पर क्लिक करता हूँ. तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमारी पर्सनल पेज शो हो गई है. इसको हम जो है एक प्रैंक साइट भी कह सकते हैं जो यूज़र है जो फन के लिए यूज़ करेगा. अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कैसे करना है. ब्लॉगर में डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जो है थीम को डाउनलोड कर लेना है. तो उसके बाद आप लोगों ने उस थीम को जो है एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर लेना है. करने के बाद आप लोगों ने सब कोड को जो है कॉपी कर लेना है. कॉपी करने के बाद आप लोगों ने सिंपली अपने ब्लॉगर में जाना है और उसके बाद थीम सेक्शन में जाना है. उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर से जो है ये वाला थीम है अप्लाई कर देना है. तो अब आप लोगों ने थोड़ा सा ऊपर जाना है और यहाँ से जो है मोबाइल की सेटिंग को नो पर क्लिक करके सेव कर देना है. क्लिक करने के बाद अब आप लोगों ने नीचे चले जाना है और यहाँ पर से जो है आप लोगों ने रिवर्ट टू क्लासिक थीम पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है. क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर से नेवबार को ऑफ कर देना और ये वाला कोड रिमूव कर देना है और जो कोड आप लोगों ने कॉपी किया होगा वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है. पेस्ट करने के बाद अब आप लोगों ने सेव थीम कर देना है. तो उसके बाद अब मैं आपको व्यू ब्लॉक करके दिखाता हूँ. तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी साइट है वो रेडी हो चुकी है. ये हमारा न्यू डोमेन है और ये हमारा ओल्ड डोमेन है. अब यहाँ से मैं आपको एक बार और टेस्ट करवा देता हूँ. यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर जो है परसेंटेज शो हो गई है. तो अगर आप लोगों ने स्क्रिप्ट में कुछ एडिट वगैरह करना है तो सिंपली आप लोगों ने उसको नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने टाइटल चेंज कर सकते हैं. तो अगर आप लोगों ने इस साइड में जो है अपने एडिशंस वगैरह या फिर किसी और पब्लिशर का जो है आप लोगों ने एड पेस्ट करना है तो आप लोगों ने सिंपली इस कोड को जो है कॉपी करना है. यहाँ से कॉपी करने के बाद आप लोगों ने नोटपैड में आ जाना और यहाँ पर आप लोगों ने कंट्रोल एफ करके जो है फाइन टेक्स्ट करना है. करने के बाद अब आप लोगों ने जो भी कोड कॉपी किया होगा वो यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.